पल्लो, बेटा पापा के प्यार पर शक मत करो, अब आपकी बहुत सी मजबूरियां होती है, उन पर भरोसा रखो। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए, बहुत रात हो चुकी है। अरे एक गेम तो और खेलो। हाँ दीदी, मेरे को भी चलना चाहिए, बहुत लेट हो गया। अच्छा ठीक है, मैं तो हूँ अभी थोड़ी देर। बाय बाय। सुमन के यहाँ मिलते हैं। हाँ हाँ, सुमन के यहाँ मिलेंगे। हाँ ठीक है, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। बहुत बढ़िया, अब मैं अपनी चाल चल सकती हूँ। बस किसी तरह तन्वी को सुनाई दे मेरी बात। तन्वी थोड़ी शक्कर मिलेगी? जी आंटी, अभी लाई। ये लीजिए। हाँ। कितने चम्मच डालूं? दो चम्मच। जी बस, आपको भी मम्मी जी? नहीं जी, चम्मच। अच्छा ये लीजिए। थैंक यू। पता है रेखा जी, हाँ? पल्लवी ने तो वैसे भी जॉब छोड़ दी है, अब तो आकाश की नौकरी पर भी बनाई है, इंक्वायरी बिठा दी है उसकी नौकरी पे। सच? आकाश की भी जॉब को खतरा है, ये तो पल्लू ने बताया ही नहीं। ही निशाने पे लगा है तीर। पल्लवी से मना किया था ना आकाश ने किसी को भी इस बारे में बताने से। ये वाली बात अपने घर पे, I mean, पापा, तनु जी, दीपू जी, किसी को मत बताना। अब देखते हैं बात निकली है कितनी दूर तक जाती है। थोड़ा सा शक, थोड़ी सी गलतफहमी, काफी है रिश्ते बिगाड़ने के लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे सवाल पूछूंगी, तो आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैं कोई सवाल नहीं पूछने वाली, क्योंकि मैं तो इस घर में मेहमान हूँ ना, और मेहमानों को तो हक ही नहीं होता सवाल पूछने का। और क्योंकि अब इतनी क्लैरिटी मिली गई है लाइफ में, तो क्यों ना प्रोसीजर से चले। और प्रोसीजर ये कहता है कि सिंस ये आपका घर है और मेरा यहाँ पे कोई हक नहीं है, इसलिए मुझे हर चीज के लिए आपसे परमिशन लेनी चाहिए। तो मेरी दो बहनें हैं, उसमें से जो सबसे बड़ी बहन है दीपिका, वो प्रेग्नेंट है, जिसके लिए हम एक छोटी सी पार्टी प्लान कर रहे हैं। अगर आपकी परमिशन हो तो क्या हम इस घर में
आपके मेहमान बनकर एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या आपको आपत्ति है? ना, कोई आपत्ति नहीं। पत्ती, ढक्कन दो, चाय की पत्ती का डब्बा खुला है। देखो, बेशक तुम यहाँ पार्टी कर सकती हो, लेकिन कोई हंगामा नहीं होगा, ना शोरगुल, और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए मुझे, नो तोड़फोड़। हाँ, पर पार्टी के बाद ना सब अपने अपने घर वापस चले जाएंगे, यहाँ पर इस घर पे कोई रुकेगा नहीं। आपके घर के थोड़े बिस्किट लिए, आई होप यू डोंट माइंड। मैं कैसे समझाऊं बेटे, ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए तो कर रहा हूं। आप ही के घर के बिस्किट है, खा लो, अच्छे लगेंगे। बिस्किट के साथ तीन ताने भी खाने पड़ेंगे, जायका खराब हो जाएगा। मैंने अब तक ब्रश नहीं किया है। तानों की कोई उम्र थोड़ी ना होती है मिस्टर शर्मा, अगर आप दे रहे हैं तो उसे ज्ञान माना जाएगा, और अगर मैं दूंगी तो ताने। वैसे कितनी उम्र के बाद मेरे ताने भी ज्ञान की कैटेगरी में आ जाएंगे? बचपन में तो आप तनु दी को छेड़ते थे कि तुझे मछली की टोकरी में से उठा के लाया हो। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हम तीनों को ही मच्छी वाली की टोकरी से उठा के लाया है, एक झटके में पराया कर दिया। आपका और मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है ऐसा जता रहे हैं। अरे वाह, आज बहुत दिनों बाद ना घर से वैसी खुशबू आ रही है, लड़ाई वाली। ये बाप बेटी के झगड़े यहाँ बैठ के देख लूं प्लीज? पॉपकॉर्न है क्या? मैं लड़ाने आई हूँ। हम नहीं लड़ रहे। अच्छा, हाँ तो कहाँ थे हम? घर में, सॉरी आपके घर पर। करेक्ट, मेरा घर और तुम मेहमान। आगे बताओ। मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग बेटे। तनु दी, अच्छा हुआ आप आ गए। पता है इन दोनों के चक्कर में तो मैं बोर ही हो गया था। चाय? तनु दी आप लोगे? नहीं। मोंटी, सबको पार्टी का बोल दिया है ना, इनवाइट भेज दिया ना एडवांस में? ठीक है, बस रिकन्फर्म कर रही थी। फिर से फोन लेके चले गए साइड में। तनु दी को क्या पता होगा लोन के बारे में? पूछो कि नहीं दी से। हाँ पढ़ना जी। मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा है अभी, आप इस बारे में कुछ कर रहे हैं या फिर बेकार ही वादे किए थे आपने? मैं कर रहा हूँ पढ़ना जी, मैं कर रहा हूँ, जितना हो पा रहा है मुझसे, जैसे हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। 24 घंटे हो चुके हैं जयदेव जी, आप जो भी कर रहे हैं उससे काम नहीं बन रहा है, और ये सब आपकी लाडली बेटी की वजह से हो रहा है। उसी का दिल तोड़ने पे लगा हुआ हूँ पढ़ना जी, आसान नहीं होता है। जिस बच्ची को इस आंगन में पाल पोस के बड़ा किया है ना, उसका दिल तोड़ना, हमेशा के लिए रुखसत करना आसान नहीं होता है। भगवान ना करे कि कभी आपके साथ ऐसा। आप गलत समझकर गलत जगह पर गुस्सा निकाल रहे हैं जयदेव जी, आपकी बेटी के फ्यूचर के बारे में ही बात कर रही हूँ। समझ रहा हूँ अपर्णा जी, मुश्किल है, लेकिन मैं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ मैं। कभी किसी बाप को ये दिन देखना ना पड़े। आपका बेटा ना आपके पास सही सलामत पहुंच जाएगा। दोनों की जिंदगी संवारने के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है। मैं सच में दुनिया का सबसे ज्यादा मजबूर बाप हूं।
पापा मुझसे तो छिपा ही रहे लोन लेने की वजह, बट क्या पता तनु दी को शायद पता हो कि पापा ने इतनी बड़ी अमाउंट का लोन क्यों लिया है। तनु दी, वो पापा लो चेक कर ले, सब टाइम पे निपटा दिया मैंने, उधर ले जाओ। अरे पंडित आ गया। हां गुड गुड गुड, कुछ इधर भी ले जाओ। चलिए फिर, सामान आ गया है तो डेकोरेशन शुरू करते हैं। या कम लेट्स डू इट। तनु दी से पूछो कि नहीं, अभी तक तो आकाश को भी नहीं बताया है, क्या करूं? पल्लू ने आकाश की जॉब के बारे में अभी तक कुछ बताया तो नहीं है, बात करूं क्या? पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं, पूछूं कि नहीं पूछूं? पल्लू, तू कुछ पूछना चाह रही है मुझसे? वो दी सुन पल्लू, तूने जॉब छोड़ी ठीक है, पर ये आकाश की जॉब पे इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं? मतलब ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो तेरे जॉब छोड़ने की वजह से आकाश पे गुस्सा निकाल रहे हैं? अनुदी, आपको कैसे पता चला आकाश की जॉब के बारे में? वो कुसुम आंटी आई थी ना, तो वो मम्मी जी को बता रही थी। कुसुम चाची को कैसे पता? और अगर उन्हें पता भी है तो वो हर जगह जाके ढोल क्यों पीट रही है? कुछ प्रॉब्लम है क्या पल्लो? अनुदी, आकाश ने मना किया था ये बात शेयर करने से, स्पेशली आप सबको बताने से तो मना किया था। ना परेशान होगा ना? परेशान तो है, लेकिन हम लोग मैनेज कर रहे हैं। आकाश ना होटल का बेस्ट एम्प्लॉय है, पागल हो गए वो लोग, अगर चिराग लेके भी निकलेंगे ना ऐसा एम्प्लॉय ढूंढने तो नहीं मिलेगा। एनीवे तनुदी प्लीज, आप आकाश से कुछ मत पूछना और किसी से ये बात शेयर मत करना ना। ठीक है। अरे अब सुन पल्लू, वो दीपू दी से पहले सब लोग आ रहे हैं ना? और नहीं तो क्या, मैंने सबको पहले ही बोल दिया था कि दीपू दी से पहले पहुंचना, ताकि हम सब साथ में मिलकर उनको वेलकम कर सके। ठीक है, मैं वहां का देख लेती हूँ। हाँ। सब पार्टी मोड में है, पार्टी के बाद पूछूंगी तनु दी से पापा के लोन के बारे में। This is not done, Pallavi. मैंने तुम्हें मना किया था कि ये बात किसी से डिस्कस ना करो तुम, फिर भी कम ऑन यार पल्लो, हर बात सबसे डिस्कस करना जरूरी है क्या? कोई बात सिर्फ हम दोनों के बीच में नहीं रह सकती। आकाश, ये और लाइट्स लगाने में हेल्प कर दो। अल्लू, मुझे दूसरा काम है, तुम प्लीज खुद से लगा लो। आकाश, बीवी की हेल्प नहीं करोगे? सारी हेल्प मैं ही करूं पल्लवी, तुम नहीं करोगी? अच्छा बताओ क्या करना है? बताया तो था, लेकिन विश्वास ट्रस्ट तुमसे एक्सपेक्ट करना ही गलत है। इसे क्या हो गया? तो मैंने क्या किया है? मम्मी जी, अरे आप लोग सब आ गए, आप सब अंदर आइए, मैं अभी आया। अरे आप लोग आ गए, आइए आइए। तनु बेटे, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो, मुझे ना कुछ काम है, मैं अभी समेट के आता हूँ। मम्मी जी खुश रहो। चाची जी, ठीक है ठीक है ठीक है। भाभी, अरे हेलो हाय छोड़ो, मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूँ वो बताओ। अरे कुछ नहीं, आप लोग बस एंजॉय करिए, सब कुछ हो गया। आज किस खुशी में ये सेलिब्रेशन है? अब दीपू दी और वरुण जी जो पापा बनने वाले हैं, तो उन्हें कांग्रेचुलेट करने के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है, बहुत ही सिंपल। प्रेगनेंसी में वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है ना, हमने सोचा कि दीदी खूब सारा पैम्पर करे ताकि वो भी खुश हो जाए, बस थोड़ा सा डांस मस्ती होगा और सब एंजॉय करें। वैसे मस्ती करनी है ना, वो तो हम कर ही लेंगे। पल्लवी को तो वैसे भी
हर रीति रिवाज में कुछ अलग कुछ नया करने की आदत है, तो ये कौन सी नई बात है? बिल्कुल, 15-15 दिन वाला रिवाज भी तो पल्लवी ने शुरू किया था ना, और अब ये बेबी शावर से पहले कंग्रेचुलेशंस पार्टी। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। जब दीपू दी की प्रेगनेंसी न्यूज मिली थी तब शादी की इतनी तैयारी चल रही थी ना कि मौका ही नहीं मिला कुछ सेलिब्रेट करने का, और वैसे भी छोटे छोटे पल तो सेलिब्रेट करने ही चाहिए, उसी से तो हम सबके रिश्ते स्ट्रांग होते हैं। ठीक है ठीक है, मतलब ठीक है, जो करना है कर, हमें जिस टाइम पे बुलाया हम तो आ गए भाई। हाँ, दी और जीजू भी बस आते ही होंगे, तो साथ में मिलके हम उनका वेलकम करेंगे। आइए ना अंदर, आइए ना, मैं दिखाती हूँ, आइए आइए। चलिए दादी। चलो चलो रिंकू। आकाश मुंडी। हाँ, I think this is perfect. हाँ, यहाँ पे रख दो इसको। आकाश। हाँ माँ। क्या हुआ तुझे? अपसेट लग रहा है। अपसेट? नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। झूठ। नहीं माँ, झूठ नहीं है वो, ये सब अरेंजमेंट्स लास्ट मिनट थे ना, तो थोड़ा स्ट्रेस हूँ। फिर से झूठ। छुपा लेगा मुझसे? माँ। अरे थैंक यू भाई साहब, ये ना आप यहाँ रख दीजिए, ठीक है? अरे ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? और क्या कहा तुमने? भाई साहब। तनु सच बोलो, मैं कौन से एंगल से भाई साहब लगता हूँ? तुमने तो हमारे रिश्ते की ऐसी की तैसी कर दी तनु। सॉरी राकेश, वो मुझे नहीं पता था, मुझे लगा पता नहीं कौन है, मैं तो लगाने वाली थी जोर का। तनु इतनी खूबसूरत लग रही हो ना, तुम एक गाल पे मारोगी ना, मैं अपना दूसरा गाल भी आगे कर दूँ। अब थप्पड़ मारना है या किस देना है ये तुम्हारे ऊपर है, किस दे दो ना, कोई नहीं देख रहा है। मम्मी सुसु आई है। राहुल तुझे भी इसी वक्त आना था क्या? तू अकेला सुसु नहीं जा सकता। मैं लेके जाती हूँ तुम्हें, चलो। तन्नु कितनी प्यारी है मेरी तन्नु, बस बहुत चीली है इस गिल्ट में, इसके बाद लाइफ में दोबारा ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा, नेवर। मेरी तन्नु, राहुल, माँ, ये फैमिली तो मेरी लाइफ की खुशी है, और मुझे इन्हीं के साथ रहना है। प्लीज भगवान मुझे मेरी लाइफ वापस कर दो जो जानवी के आने से पहले थी। बस मैं आ रहा हूँ। पपी जी सॉरी, मैं आपको अंदर इनवाइट नहीं कर पाया, पार्टी चल रही है बच्चों की तो सारा मचा हुआ है। अरे गल कोई नहीं है जी, गल कोई नहीं है लाजी। गुड न्यूज। यहां साइन कर दो, ये पावर ऑफ अटॉर्नी। थैंक यू। लेकिन ये क्यों? वो जमीन की जो बात की थी, मैंने ये सोच लिया कि सब लोग आपको उस जमीन का मैं मालिक बना दूं, आप जो सोचोगे ना आप ठीक फैसला लोगे उस प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन इसकी क्या जरूरत है, मतलब अरे तेरे पीछे नहीं है यार, आप पकड़ो अपनी जमीन, आपको जो करना आप सोच लीजिए, आपको चाहिए जमीन तो मैंने कहा था ना 4% के हिसाब से 60 लाख कमीशन, पैसे जल्दी चाहिए कि नहीं? जरूरत तो है पैसों की, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी की क्या जरूरत है, मतलब? ओहो अंकल जी, अगर मगर ये सब कमजोर लोगों की डगर होती है। ये पापा किससे बात कर रहे हैं? एक छोटा सा साइन ही तो है, मेरा नाम पप्पी है, पप्पी मेरा, और पप्पी मेरा जो है ना कागजातों से लेकर अपनी जुबान का और असूलों का बड़ा पक्का है और हमेशा रहेगा, एक छोटे सा फॉर्मेलिटी है सिग्नेचर और फिर प्रॉपर्टी बिक गई, फिर आपको मेरे पास आने की क्या लोड है, कोई जरूरत नहीं, फैसला आप खुद ही ले सकते हैं, साइन कर लीजिए। सही बात है,
अगर इस फॉर्मेलिटी से काम जल्दी बन सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे भी पैसे उतनी जल्दी मिलेंगे जितनी जल्दी मैं ये प्रॉपर्टी बेच पाऊंगा, उतनी ही जल्दी मेरा लोन खत्म भी कर पाऊंगा। ये कौन से पेपर साइन कर रहे हैं पापा? मुबारक हो, मुबारक हो। प्रॉपर्टी आपकी होगी। चलो। अच्छा जी, बच्चों को संभाल के रखने का माँ बाप का फर्ज है। आपकी बेटी ने पप्पी से पंगा लिया है। अब देखते हैं, एक बार इन नकली कागजों से इलीगल प्रॉपर्टी को बेचो तो सही, आप फिर रेड़ियां खींच जानी है आपकी और आपकी बेटी की। फ्रॉड की जेल से बचते बचते उन्होंने कहीं कुछ देख सुन तो नहीं लिया? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन थे वो लोग? अब तो मेरी जासूसी भी करेगी? किससे मिल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? कमाल है, अंदर इतनी पार्टी चल रही है और तुम यहाँ मेरे पीछे पीछे। हाँ, जानना है मुझे कौन था वो आदमी और कौन से पेपर साइन किया आपने। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.